सगड़ा भाई राम राम मा उन थारो देसी पत्रकार रवि खबर लोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। थारी आवाज खबर लोक चैनल ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ, और करने जो बेल आइकन है जो भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाला भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। पिछला कुछ दिनों देखा कि लगातार है जो कोरोना का केस बढ़ता जा रहे हैं और जो कोरोना का केस बढ़ रहे हैं जेठाऊँ ज़्यादा जो कोरोना पॉजिटिव जो केस आ रहे हैं बी एरियन है जो कंटेनमेंट जोन जो घोषित करो जा रहे हैं। झुंझुनू का ही जो अपने नज़दीक में जो एक गांव लगे है बिकमान अभी हाँ आप देखा गांव है अपने बाडलवास जो ग्राम पंचायत अठाऊँ लगे हैं के उदावास उदावास जो ग्राम पंचायत लगे है बैठाऊँ जो पिछले काल की जो बात कर लें कि कोरोना पॉजिटिव जो केस पाए गए हैं तो शायद 5 केस ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव हैं बिक बाद में यो जो गांव है इन कंटेनमेंट जोन में जो घोषित कर दियो गयो है। और लगातार है कि जो अपने सैंपलिंग वगैरह चल रही हैं बात करें कि जो मेडिकल की टीम है बिक द्वारा सैंपलिंग करी जा रही है और जो पुलिस का जवान ही अपने बाकी ड्यूटी जो अठे लगा रखी है कि जो अनावश्यक रूप में कोई घरों बाहर न निकले और जो बाहर न घूमे इसलिए बाकी बैठे ड्यूटी लगा रखी। तो बातचीत कर सें कुछ ग्रामवासी भी हैं बहुत व्यापक बातचीत कर सें और जो जवानों भी बातचीत कर सें कि क्या व्यवस्था है जो उठे बना रहे हैं। दूसरी चीज़ आप देखा तो कि जो अभी घोषित करे गए है कि वीकेंड कर्फ्यू जो लगाया जा रहा है बी के अंदर ही कि पूरा जिला भर में है कि वीकेंड कर्फ्यू है बी को भी असर है जो आप दिखाए पिछला वीडियो तो बिम भी जाके देखो कि कहें कि क्या व्यवस्था है जो वीकेंड पर है जो बनाई जा रही है क्योंकि मोस्टली जो छुट्टी के दिन है कि बहुत सा जो कर्मचारी हैं वे भी जो जाए ही बाहर जाके आपको जो सामान वगैरह लेके आए हैं तो छुट्टी के दिन जाके सामान लेके आऊँ लेकिन पूरी तरीके से प्रतिबंधित होने की वजह मार्केट भी पूरी तरीके से सुन ही। अभी जो आप बात करा पहले तो जो ग्रामवासी हैं वहाँ पर चर्चा कर सें एकमान राम राम ताऊ जी राम राम जी के नाम है तारो मेरा नाम सत्यनारायण शर्मा। अच्छा जी तो अभी गांव में जो कोरोना का केस आ रहे हैं तो पिछले साल भी कोई केस आया है या इस बार ये हैं एक ही को नहीं पिछले साल अब की बार है इस बार ये हैं तो अभी आया भी मतलब 3-4 ही शायद एक साथ ही 5 एक आया ही एक एक आया है 6 केस हैं 6 ही जी। तो अभी गांव में के जो की व्यवस्था है जो सैंपलिंग वगैरह हो रही है कि हाँ सैंपलिंग हो रही है मेडिकल की टीम है वह बराबर ड्यूटी दे रही है पुलिस को जाते भी है। थारी कितनी उम्र होगी मैं 62 साल का हो गया टीको लगवा लियो टीको लगवा लियो साहब तो बिकले जो कठे 12 लगवा के आया फिर गांव में कोई कैंप वगैरह लगाओ पंचायत हेडक्वार्टर उदावास उदावास में लगवाया हो तो बिक अभी ठीक हो एकदम हो अभी कोई कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अभी कंटेनमेंट जोन आपने अठे बना रखे हो गाँव में तो पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर रखे हो क्यों तो जो कोई राशन वगैरह की व्यवस्था कुछ है की करी जा रही है की नहीं फिलहाल तो राशन वगैरह की तो कोई को नहीं करी है प्रबंध को नहीं करी गया है लेकिन कल से ही तो आज से ही तो लगे हुए सुबह से आज भी लगे हुए हाँ। तो अभी तो मतलब अति जरूरत भी कौन लेकिन फिर भी जो प्रशासन का लोग आ रहे तो है ना कि आके जांच वगैरह तो करके गए हैं जाँच कर रहे हैं ये सुबह से ही पूरा देख रहे हैं हमें तो सुबह से ही आपकी ड्यूटी दे रहे हैं मेडिकल की टीम भी सुबह से ही आ रही है सुबह से ही अपना काम कर रही है मैं घर घर जाके मैं पूछ रही है कि भाई कोई घर में बुखार सुखार या कोई खांसी जुकाम तो नहीं है कोई है तो सबकी तलाश कर रही है यार बाकी ठीक है कोई यहाँ को नहीं माहौल यहाँ शांतिपूर्वक है कोई घर से बाहर नहीं खड़ा कोने तो अपने अपने घर में बता दी कि भाई इन्हें रेड जोन घोषित करी है गाँव ने तो सब अपने अपने घर में ही बाहर को निकल अनाउंसमेंट वगैरह करके गए हैं आके हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद सब बातचीत करने के लिए। मेडिकल की टीम है अभी लगातार है जो सर्वे अंक द्वारा कर रहे हैं जब बातचीत करी तो ये बता रहे हैं कि जो भी कठियाओं भी अगर थोड़ा बहुत भी फीवर वगैरह या फिर कोई कभी जुकाम वगैरह है तो बन नोट कर रहे हैं और बाकी जो टेम्परेचर वगैरह अंक द्वारा जो नापे जा रहे हैं और गाइडलाइन के तहत बन बताया जा रहा है कि अनावश्यक रूप उन्हें तो घरों बाहर निकलें और हर एक चीज़ की जो सर्वे करे जा रहे हैं बच्चा का जो नाम वगैरह भी अंक द्वारा नोट करे जा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो देखा आपने जो जवान ही पुलिस का और पिछले 2020 की जो बात कर लें अगर कोरोना के मान जो आपको एक अहम रोल जो अगर प्ले करो तो बस सिर्फ जो पुलिस ही और आज दोबारा जब जरूरत पड़ी है तो आपके आपने जो गाँव में जाके है जो फिलहाल अभी खड़ा हो रहे हैं जठे भी आके ड्यूटी जो लगाई जा रही है बैठे पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं और काफ़ी प्रशंसा है जो राजस्थान पुलिस की जो COVID-19 ने कंट्रोल करने में जो एक अहम भूमिका वह जो निभाई। तो अभी बातचीत करें कि कदों सारी जो ड्यूटी अठे लगा रखी है आज सवेरे 8 बजे से लगी थी बडलवास गाँव में और गांव के लोगों भी खुद बाहर नहीं निकले अनावश्यक भीड़ भी ज़्यादा नहीं और लोग समझ रहे भी हैं कोरोना वायरस अनावश्यक बाहर कोई नहीं निकल रहे
तो के जो मोस्टली अगर कोई आवे तो के समझाए जा रहे है लोगों समझाए जा रहे हो कि बाहर निकलते और मास्क लगा निकले और भीड़ भाड़ ज्यादा न करे, जरूरतमंद लोग जा रहे हैं उनको जाने देने, बीमार है राशन परेशान तो कौन हो रहा है लोग सब बड़ी चीज, क्योंकि अगर व्यवस्था जो ला भाई पुलिस की अगर ड्यूटी लगा रखी है तो भी कोई काम यू भी है कि लोगों की मदद करना हो, तो अनाथ से ग्रुप लोग परेशान तो कौन हो रहे हैं, क्योंकि हालांकि जो आज तो चलो शुरुआत है नहीं, लेकिन नहीं सर कोई परेशान नहीं हो रहे, लोग समझ रहे हैं और भावनाओं को देख के चल रहे हैं, मास्क सैनिटाइजर हर चीज़ उपलब्ध के बारे में बताया भी और लोग को रोक के जी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो जो बात करी जो पुलिस का अपना जवान ही बाऊ भी, अब थोड़ा सा सोच वालों विषय है कि अभी अपन विचार ही चीज़ पर करना चाहिए, क्योंकि जब 2020 में जब मार्च में कोरोना आयो हो जी टाइम में यह व्यवस्था करी गई है कि हर एक आदमी है जो मदद करने के लिए जो आगे आ रहे हो, लेकिन ई टाइम अभी जो देखा जाए कि दो दिन को जो वीकेंड कर्फ्यू रखे गए हैं और जो कंटेनमेंट जोन जो एरिया बनाए जा रहे हैं, बकमान भी यह उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी संस्था ही या जो भी युवा ही आसपास में जाके जो मदद करें, क्योंकि पिछली बार भी जब जठाऊ जी घरों कोरोना पॉजिटिव केस आ जाए हो बैठे हर कोई जान की भी मतलब हिम्मत कौन कर रहा, इस वजह बैठा जो पशु पक्षी ही बहुत ज़्यादा परेशान हा, और बाकी आप बार बार अपील करी और दोबारा ये चीज़ में अपील कर रहा कि मदद अपन करनी है न कि बन हीन भावनाओं जो देखना है। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लेके बताओ, थारा आसपास में कोरोना को के जो माहौल है और ठीक के सावधानी बरत रहा हो भी के बारे में भी थे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबरों के लिए चैनल पर बने रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।